हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रू बींग। सो गाइज, आज है सैटरडे और वीकेंड का प्लान कर रहे हैं कि कहीं कुछ घूम आते हैं, बट निकलते निकलते ऑलमोस्ट 3:30 हो गया है हमें, तो जहाँ का प्लान था मेन वहाँ तो नहीं जा पाए। बताएंगे आपको बाद में कहाँ जाना था, बट अभी घर से निकल के देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं या कहाँ घूम पाते हैं। अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, निकल के बस जाते हैं। जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग वहीं घूम कर आ जाएंगे, क्योंकि आसपास बहुत सारी घूमने की जगह है। क्या कहते हो? हाँ। सो गाइस, घर से निकलते ही ले लिया था हमने ई रिक्शा जो हमको मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाएगा, और ये मैं मेट्रो स्टेशन पे अमित का वेट कर रही हूँ। आई थिंक वो ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे, और फाइनली हम पहुंच गए थे स्टेशन पर। फटाफट से यहाँ से हमें मेट्रो लेनी थी, और हमारा डिसाइड भी हो गया था कि हमको कहाँ जाना है, और हम मेट्रो में बैठ गए। फाइनली हम यहाँ से चले। सो गाइस, अभी हम आए हुए हैं सीपी, और इसके बाद प्लान बना है हमारा इंडिया गेट का। पहले थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं, काफ़ी टाइम बाद आना हुआ है। सीपी में एक शॉप पर मिल रही थी बहुत सारी जंक ज्वेलरी, वहाँ से मुझे ईयरिंग्स का सेट पसंद आ गया तो मैंने खरीद लिया है ये। सो गाइस, इस बार सीपी आने के बहाने काफ़ी ज़्यादा पैदल भी चल लिए हम, और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। ऑल्दो ये हमारा फर्स्ट टाइम नहीं था, फिर भी हम इतना घूमे। जंक ज्वेलरीज की शॉप थी, फ्रिज मैग्नेट्स की शॉप थी, और बाकी सारी ये कपड़ों एंड ऑल, ये तो आपको पता ही है जो लोग सीपी आए होंगे। तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, घूमे, फिर हमने खाई आलू कचौरी। अमित को तो ये बड़ी टेस्टी लग रही थी। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए मंगाया था भेलपूरी, खा तो काफ़ी कुछ लिया था खैर, बट उसके बाद गाइस सामने आई थिंक कोई ड्रामा चल रहा है या फिर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये जो सामने लोग खड़े हुए थे बहुत ही प्यारा मैसेज दे रहे थे, जिसमें कि लिखा हुआ था बी वीगन, वीगन बने। आई वाज रियली इंप्रेस्ड बाय देम। और यहाँ ये बच्चों को छोटी सी कैद बनाकर बंद करके एक बहुत ही प्यारा सिंबल दिया जा रहा था, दुख दर्द सुख शांति, गुलामी आज़ादी सभी के लिए मायने रखती है। तो ये एनिमल्स के लिए ही सिंबल था, जिस तरीके से जानवरों को कैद करके रखा जाता है, बी वीगन वाली ही टीम ने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ था। सो गाइस, अब भी हम जाने वाले हैं पालिका बाजार। सो गाइस, हम इसके बाद निकल गए थे पालिका बाज़ार में जाने के लिए। तो सबको पता है नीचे जाना पड़ता है, अंडरग्राउंड में है ये, और जाने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भी एक्सप्लोर करी, बट मुझे कुछ खास डिफरेंट नहीं लगा। जो एज यूजल सभी मार्केट्स में था वही था, और बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पर और था। यहाँ बच्चों की ड्रेसेस लगी हुई थी, आगे मेंस का कलेक्शन था टी शर्ट एंड ऑल, उससे आगे लड़कियों के बैग्स का कलेक्शन था, मतलब सारा कुछ एक ही जगह में है। बट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एक्सपेंसिव था, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो चीज़ आपको मिलेगी वो थे टैटू वाले। आप अगर नेक्स्ट स्टेप भी बढ़ाओगे तो सबसे पहले आपसे टैटू के लिए पूछने आएंगे, तो टैटू की तो वहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, अगर किसी को कराना है तो आप जा सकते हैं। फिर हमने खाया ये भुट्टा। सो गाइज, इसके बाद हमने मेट्रो ली सीधा इंडिया गेट के लिए। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं इंडिया गेट घूमने, और हल्का हल्का झरना हो रहा है, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग घूम भी रहे हैं, और अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड बाकी चीज़ें आप ब्लॉग में देख ही रहे थे। तो चलिए मिलते हैं और आगे आगे आपको घुमाते हैं। सो गाइस, बहुत ही प्यारा मौसम है। हाय, थैंक यू। हाय हाय, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। सो गाइस, अभी हम मिल रहे हैं अपने व्यूअर से, इनका ब्लॉग में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैं इनको कॉपी करती हूँ, कॉपी तो नहीं करती मैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंस्पायर्ड हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। लुक एट द व्यू गाइज, इतना प्यारा मौसम, इतनी ठंडी हवाएं, बारिश हो रही है, और आप बस व्यू को एंजॉय करो। हाँ, हल्का हल्का झरना हो रहा है। सो अमित, आर यू एंजॉयिंग द वेदर? बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सच में यार। अभी पता है हल्का हल्का झरना हो रहा था, हम लोग बोले नीचे छुप जाएं, फिर मेरा मन कहाँ मानता है, मैंने कहा चलो एक बार थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं, बाहर निकलते हैं। अब यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा गाइस, बस भीग लेते हैं बारिश में, हल्का हल्का भीग लेते हैं बस। लकीली ये जैसी पड़ रही है वैसी पड़ती है, उससे तेज बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना हमको सच में भागना पड़ेगा। एंड अभी जैसा आपने देखा, हमारी एक व्यूअर मिली थी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट
फर्स्ट टाइम कोई व्यूअर मुझे ऐसे सामने से मिला है। शिप्रा की फैन मिल गई सामने पर। फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। बहुत तो नहीं, अभी स्टार्टिंग है। मैंने पहले ही ऑटोग्राफ लेके रख लिया। ओह माय गॉड। सो गाइस चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ खाने पीने का टेस्टी सा मिलता है तो खाते पीते हुए और आगे की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ बट जितनी बार आती हूँ उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। तो अमित का पता नहीं कौन सा ठिकाना ढूंढ रहे हैं और किधर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, फॉलो कर लेते हैं मिस्टर को। एंड गाइस सीपी में मैं गई थी, वहाँ मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं करी, वॉइस ओवर किया है बिकॉज इतना ज़्यादा शोर था ना कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। कुछ क्लिप्स हैं वो शायद आपने इन्जॉय करी हो, म्यूज़िक वाली क्लिप्स जो थी और न्यूज़ 18 की तरफ से, आप देख सकते हो कितनी ज़ोर से हवा चल रही है, न्यूज़ 18 की तरफ से वहाँ म्यूज़िक का कुछ कॉन्सर्ट टाइप हो रहा था उसके ऑडियो आप सुन सकते हो। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। वहाँ पर उसकी सबसे फेवरेट चीज़ ने वो भी खिलाई थी, पूछो शिप्रा से क्या खिलाया। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया बट क्योंकि उससे मेरा पूरा मुंह गंदा हो गया था, लिपस्टिक छूट गई थी और मेरी फेवरेट चीज़ है भी तो क्या अमेरिकन भुट्टा, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैंने वो खाया वहाँ पे और भेलपूरी खाई। अगर क्लिप्स होंगी तो मैं ऐड कर दूँगी। एंड देयर वॉज अ कचौरी, टेस्टी थी वो, ठीक ठाक थी मतलब वो खाई। तो अभी मैं फुल हूँ और बारिश बढ़ रही है यार, अभी इंजॉय करना है। मैं आपके साथ व्यू शेयर करती हूँ। सो गाइस जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। सामने आपको दिख रहा होगा इंडिया गेट और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ पा रहा है, पास जाके कोशिश करूँगी शूट करने का क्योंकि अभी मोबाइल से शूट कर रही हूँ मैं, तो अभी जैसा उसी से काम चलाओ। सो गाइस फाइनली हमें इंडिया गेट के दर्शन हो ही गए और बारिश बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है तो लगता है थोड़ी देर के लिए हमें कहीं छुपना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अंधेरा हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे और ये बारिश बंद हो जाए। इंजॉय तो हम अभी भी काफ़ी कर रहे थे बट बारिश ने काम बिगाड़ दिया। लुक एट द ब्यूटिफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स, ओ माई गॉड वाओ। Coming, coming. The view is wow. नहीं साथ के साथ जैसा हमने कुफरी में निकलवाया था। गाइज मैं सोच रही हूँ ना एक दो फोटो निकलवा लें क्योंकि मोबाइल के ना मोबाइल में ही रह जाते हैं ना, निकलवाने का ध्यान रहता ना कुछ। और अगर हार्ड कॉपी मिल जाएगी ना तो एज अ मेमोरी हम उसे रख भी लेंगे, एल्बम में लगा भी लेंगे। तो चलते हैं आगे और देखती हूँ कोई मिलता है तो कराते हैं, जब तक आप व्यू को एंजॉय करो। सो गाइस फोटोज क्लिक करा लिए हम लोगों ने और अगर आपको मेरे फोटोज चेक करने देखने तो फटाफट से जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, मैंने यहाँ मेंशन करी है, जाके फॉलो करो सारी अपडेट्स। और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे भी रहती हूँ तो मिल जाएगी और आपको यहाँ के इंडिया गेट के फोटोज़ भी देखने को मिल जाएंगे, तो जाओ और फॉलो करो। अब आया है असली व्यू जो हमें देखना था, दिन में तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाता है, अंधेरा हो गया। और लुक एट द व्यू, चिड़ियों की आवाज़, पीछे से दिल्ली का ट्रैफिक, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। We'll have ice cream. गोलगप्पे कैसे हैं? मीठे तीखा? तीखा ये मीठा, मीठा खाने वाले गोलगप्पे भी मीठे कौन खाता है? स्पाइसी नहीं पसंद भाई, स्पाइसी नहीं पसंद। हाँ ऑलरेडी स्पाइसी है शिप्रा इतनी। मीठा नहीं खाना मुझे, नहीं खाना मीठा। सो गाइज मैंने एक तो ये क्यूट सा ये लिया है अपने घर की चाबी में डालने के लिए और एक क्यूट सा पाउच लिया है, कुछ चिल्लर विल्लर डालने के काम आएगा।
इतने प्यारे लग रहे ना। हो चुका था काफ़ी टाइम और फिर हम निकल लिए इंडिया गेट से घर आने के लिए। एंड जैसे ही ऑटो से उतरे सोचा कुछ खा ले, क्योंकि हैवी में कुछ भी डिनर नहीं किया था। तो हम पहुंच गए फिर हीरा स्वीट्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फुल था, बट लकीली हमें सीट मिल गई थी एंड बैठ भी गए हम। और यहाँ का खाना अमित को बहुत पसंद है, क्योंकि बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता और बहुत लाइट रहता है। तो यहाँ अमित मेन्यू में देख रहे हैं कि क्या मंगाना है, क्योंकि फिर अब घर जाके तो खाना बनाना नहीं था। तो वहीं हमने अपना डिनर ऑर्डर कर लिया, मम्मी के लिए पैक करा लिया था। तो ये अमित ने मंगाया अपने लिए छोले चावल, और मेरे लिए मंगाया था पनीर कुलचा। और उसके बाद भी अगर हमें भूख लगी थी तो फिर हमने मंगा लिया था एक पनीर पराठा, और मीठे में मंगा ली थी अपनी रसमलाई। तो काफ़ी फुल हो चुके थे इस टाइम तक खा पी कर, और काफ़ी इंजॉय भी किया खाना भी और घूमना भी। अगर आपने इंजॉय किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस घर और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने ब्लॉग को इंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, बट आई एम डैम श्योर कि आपने इंजॉय भी किया होगा। बाय, टेक केयर।